Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर फिर से एक झटका महसूस हुआ है अफगानिस्तान में। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कई सारे झटके कुछ महीने पहले हुए थे। जैसे अगर आप हमारे बुलेटिन रेगुलर देखते होंगे तो हमने भूकंप की इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अफगानिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है और जिसके झटके आपको दिल्ली तक महसूस हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस एपिसेंटर को बताया है कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ काबुल आ रहा है और लोगों में काफ़ी पैनिक हुई थी दिल्ली में, जहां पर इंडिया की हम बात करें तो। लेकिन ये पाकिस्तान को भी इस भूकंप ने हिलाया है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो 6.4 ये बताया जा रहा है रिस्टर स्केल पे, 206 किलोमीटर की डेप्थ, यानी इतने नीचे जो है ये झटका मिला है। जैसे वहाँ पर झटका हुआ है 6 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक, पाकिस्तान में भी हुआ है सेम टाइम पर। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के एरिया के जो लोग परेशान हैं, लेकिन इसमें कोई जो है नुकसान नहीं होने की बात बताई जा रही है। नेशनल न्यूज में हम बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात की और चादर पेश की है अजमेर शरीफ पर। मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स वहां पर मौजूद रहे और चादर दी गई है अजमेर शरीफ दरगाह पर, जहां पर सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो है उर्स के मौके पर जो है तस्वीरें जो आप देख सकते हैं आ रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये सीक्रेट चादर जो है पहुंचाई है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी भी इस मौके पर मौजूद रहे। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की पासपोर्ट जो अगर है तो वो टॉप 6 में आ रही है कंट्रीज के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में। टॉप 6 कंट्रीज कौन से हैं मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स के, आपको बता दें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। 2024 में मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की तरह बताया जा रहा है और वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है 194 ग्लोबल डेस्टिनेशंस में अगर आप इनका पासपोर्ट रखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की पोजीशन कहां पर होगी, या मैंने भी पढ़ने के बाद मैं जो है बहुत ही सोचा कि इंडिया इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है, इंडिया को इतना बताया जा रहा है। तो आप सबको एक अफसोस भरी बात बता दूँ कि इंडिया का पासपोर्ट की रैंक बिल्कुल बताने लायक नहीं है, 80th रैंक पर है। समझ में नहीं आ रहा इंडिया का पासपोर्ट इतना वीक क्यों है। सिटीजन को सिर्फ 62 कंट्री में अलाउ है विदाउट वीज़ा। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड भी आ चुके हैं। इंडिया करंट रैंक जो है उज्बेकिस्तान के साथ शेयर करता है और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 101 नंबर पर पाकिस्तान है। प्रियंका खेर के बड़ा बयान आया, कहा कि शंकराचार्य जी के जो माम का जो स्टेटमेंट आया है जिसमें निकल आपको बताया था मंदिर के इवेंट पर, उस पर उन्होंने कहा है कि क्यों इतनी हरी है, पीएम मोदी से उनका सवाल आया है। प्रियंका खेर का ये कहना है कि पूछिए उन बीजेपी लोगों से कि क्यों शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन राम मंदिर का इनकम्प्लीट है। बीजेपी और पीएम क्यों हरी में है टेंपल को इनॉग्रेट करने में, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है टेंपल का, उसे बस पॉलिटिकली उसे एक्टिवेट किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। ऐसा कहा कांग्रेस के लीडर अलका लांबा में। साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने भी डिक्लेयर किया कि वो राम मंदिर के इवेंट में नहीं जा रहे हैं। और अगर हम प्रियंका खड़गे की बात करें तो प्रियंका खड़गे ने ये बात बताई है कि जिस तरह से रिलीजन पर्सनल मैटर है, आरएसएस बीजेपी अपना लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है टेंपल बनाए हैं अयोध्या के अंदर, और इनकम्प्लीट रखते हुए जो है लीडर्स ऑफ बीजेपी और आरएसएस जो है इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ये काम कर रहे हैं। और बीजेपी कांग्रेस को एंटी हिंदू बोल रही है, और कांग्रेस लीडर प्रियंका खड़गे ने कहा कि फिर बीजेपी क्यों उनके जो है पंडितों को नहीं सुन रही, इस तरह की बात कही प्रियंका खड़गे ने। अल मिसर टूर्स एंड ट्रेवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शबे मेराज होगी मक्का में और शबे बरात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज में। कॉन्टेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद आपको सीधा गुलबर्गा से आपको खबर ला रहा हूँ, जहां पर
डीसी फौजा तरनम जी के साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट जो शोरूम चोरगुमस के पास जो मौजूद है फिल्टर बेड पर, वहाँ उसकी जो है थोड़ी जो कंप्लेंट्स के बाद वहाँ पर उन्होंने आए और साफ सफाई का जो है उन्होंने लिया जायजा। कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद रहे। गुरुवार से आपको दो तीन एक और खबर सुनाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक पीपल की जो है अवेयरनेस की गई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछ रहा कर रहे थे कि भाई किस तरह से जो है एक अवेयरनेस दी जाए ऑटोज़ के लिए, कहाँ पर ठहरना है कहाँ पर नहीं ठहरना है। तिमापुरी सर्कल से लेकर जो है बहुत जगह तक ये जो है इवेंट हुआ अंडर दी एबल गाइडेंस ऑफ आर चितन जी कमिश्नर ऑफ पुलिस। KKRTC ने दो न्यू नॉन AC स्लीपर बसेस लॉन्च किए हैं। गुलबर्गा साउथ MLA के आलमप्रोफ पाटिल ने इसे लॉन्च किया है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरे टॉवर्स MS के मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करते हैं हिजामा की, बिस्मिल्ला वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आयशा पॉली क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर। जी हाँ, स्लॉट्स अवेलेबल हैं 13 जनवरी 2024 सैटरडे और 14 जनवरी संडे। तीन स्लॉट्स आपको सैटरडे मिलेंगे और संडे के 7 स्लॉट्स आपको मिलेंगे जहां पर डॉक्टर बदरुल इस्लाम MD MED हिजामा एक्सपर्ट आपके लिए हैं तैयार। जी, इनकी सर्विस आपको मिलेंगे 20% डिस्काउंट पे। ये स्पेशल ऑफर हम आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लेडीज थेरेपिस्ट आपको अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होगा। जी हाँ, ताजनगर मुस्लिम कॉलोनी आप सब जानते हैं अपोजिट टू अरमान होटल, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिलते आ रहा है, उसी को चलते हुए उन्होंने ये स्पेशल डिस्काउंट पैकेज भी निकाला है। लेडीज के लिए खास तौर पे ये अच्छी बात है कि लेडीज के लिए सेपरेट थेरेपिस्ट अवेलेबल है लेडीज के ही, जिसमें आप जमा करा सकते हैं। तो जरूर 13 जनवरी और 14 जनवरी के इन स्लॉट्स को यूज करेगा, स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और अपने अपॉइंटमेंट को बुक करें। अपकमिंग सैटरडे एंड संडे दैट इज ऑन जनवरी 13th एंड 14th इवनिंग 7 to 10 PM हिजामा के स्लॉट्स अवेलेबल है। सैटरडे जो है 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और संडे के दिन जो है ना संडे की नाइट में 7 स्लॉट्स अवेलेबल है, 7 स्लॉट्स, ठीक है। सो जो कोई भी अपना फॉलो अप सेशंस करवाना चाह रहे हैं और जो कोई भी जो है ना अपने फ्रेश सेशंस करवाना चाह रहे हैं या जिस किसी को भी जो है ना हर्बल मेडिकेशंस लेना है, इन सब सेशंस पे और मेडिकेशंस पे इंशाल्लाह 20% डिस्काउंट रहेगा। ओके, 20% डिस्काउंट रहेगा, हाफ बॉडी फुल बॉडी उससे भी 20% डिस्काउंट रहेगा और हर्बल मेडिकेशंस पे भी 20% डिस्काउंट रहेगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, लाइफ इज शॉर्ट टाइम इज फास्ट नो रिप्ले नो रिवाइंड सो एंजॉय एवरी मोमेंट एज इट कम्स। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. Bitter gourd, yani karela ke jo benefits aapko batata hu, diabetes se control karta hai, digestive system ko improve karta hai, skin problem ke liye effective hai aur asthma se aapko relief bhi deta hai. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद इरफान शेख का, लिखा न्यू रेशन कार्ड के बारे में कुछ न्यूज़ है तो बताइए। फिलहाल तो कुछ नहीं है फिलहाल के लिए न्यूज़। तो हिदायत सूफी ने सलाम लिखा है, यूजर ने सलाम लिखा है, मोहम्मद अफरोज ने सलाम लिखा है। एक सवाल था, हागा क्रॉस दरगाह जाने वाली रोड लावारिस रोड हो चुकी है, इस रोड पर VIP लोगों को लाना चाहिए और एक्सपीरियंस कराना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं वो। मिसिंग पैम्फलेट छपवाना पड़ेगा, लिख रहे हैं लोड वोट्स के लिए। सही बात आपने कही है इस बारे में जो है अफरोज साहब, डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। लोग को आदत पड़ चुकी है, जैसी हालत है वैसी गुजारने की जो है ये कर रहे हैं। डेली बुलेटिन गुड न्यूज लिख रहे हैं मोहिन पटेल। नौशिन जी ने थॉट लिखा है कि सक्सेस इज अ व्हीकल विच मूव्स ऑन ए व्हील कॉल्ड हार्ड वर्क, बट जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट द फ्यूल कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही कहा मैम आपने।
सर जाफर ने गुड मॉर्निंग इंडिया लिखा है, ताजुद्दीन ने सलाम लिखा है, सैयद मोहम्मद महबूब लिखे तारबे कहने का भी इंतजाम है क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल इंतजाम है भाई, आइएगा जरूर। इनकी लिख रहे हैं बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप दिलाओ तारबे 10 से 15 लाख रुपए। भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो आवाज उठा सकूंगा, मेरे पास उतनी जो है रहती थी कुछ तो जरूर मैं हेल्प करता था। और गुलबरगा गेमिंग ने सलाम लिखा, आप सबको मैं वालेकुम सलाम बोलता हूँ। इंडिया में काफी सारे स्कैम होते रहते हैं, कब हुआ पूरी तरह से कंट्रोल लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। ये पॉसिबल नहीं है साहब, ये बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। नाइस न्यूज लिखा है आर्यन प्लम्बिंग सॉल्यूशंस ने, सब लोगों को अच्छा नया मिलना चाहिए लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तारवे गोल्ड का रेट बतलाओ लिख रहे हैं यूसुफ अली साहब। गोल्ड का रेट जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे से आपको देखा जाएगा। हफीज शेख स्माइल लिख रहे हैं, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच जावेद भाई। मोहम्मद बेगर में ऑल द बेस्ट राहुल गांधी लिखे हैं, मौसम की जानकारी दीजिए कैसा भी आप जानते हैं ना। फिर मौसम बिल्कुल ठीक है, इसके लिए मैंने दारा एक दो दिन के लिए बारिश का वैसे बताया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। फिर उस एमएच लिख रहे हैं 30 मिनट के वीडियो में 8 मिनट का ऐड है लिख रहे हैं। भाई 8 मिनट का ऐड कैसा रहता समझ में नहीं आ रहा मेरे को, दो ही ऐड हमारे आते हैं बीच में, उसके बाद तो हमारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के लिए एक स्पॉन्सर है, उसे आप काउंट मत करिए। मोहम्मद खालिद लिख रहे हैं, आगरा पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुकी है, दो ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यू रहना चाहिए लिख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले तो वहां पर हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक ही रोड है आगरा को निकलने की जो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो चुकी है, आई थिंक अल्टरनेट रोड बनाकर तो कुछ हो सकता है। जब्बार सागरी लिख रहे हैं, ताहिरा मस्जिद के सामने वाले मैदान में रोड कब बनेगी, मुझे एक्जैक्टली एरिया नहीं मालूम, ताहिरा मस्जिद कहाँ पर आता है, वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर को बात करें तो मालूम हो जाएगा। उसने चौक पर 2 ब्रेकर लगाना चाहिए, स्कूल जाते हुए बच्चों को प्रॉब्लम हो रही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मोहम्मद नईम ने गुड इवनिंग लिखा है, मंसूर लिख रहे हैं, आपका थॉट ऑफ द डे में जो फोटो है बुक पे पैर रखकर कौन आगे बढ़ता है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने भी वो कल सोचा कि जो लड़की जो पैर रख रही है वो गलत बात है, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि एजुकेशन आपका स्टेप है, शायद उसको बाजू पे रखकर लिखते तो भी जो है शायद वो सही रह सकता था। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पावर्ड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड द एडिक्शन सेंटर, अपोजिट गवर्नमेंट ETI, दरगाह रोड, STBT।